शास्त्रों में वर्णन है कि घर में रहने वाले व्यक्ति को पांच प्रकार के यज्ञ करने ही चाहिए। इन पांच यज्ञों को करने से घर में रहने वालों के जीवन में सुख शांति बढ़ती है, दुख दरिद्रता अशांति बीमारियां ये सब उस सदग्रस्त से दूर रहती हैं जो ये पांच प्रकार के यज्ञ रोज नियम पूर्वक और निष्ठा पूर्वक मनोयोग पूर्वक ये पांच यज्ञ करते हैं और बड़े सरल हैं। हम न कर सकें ऐसे नहीं हैं। सब भाई सब बहनें चाहे छोटे हों या बड़े हों सब कर सकते हैं और करने चाहिए। जो करना चाहिए शास्त्रोचित कृत्य और जो कर सकते हैं वो न करना बड़ी मूढ़ता है और जो नहीं करना चाहिए वो करते रहना महामूढ़ता है। पांच यज्ञ जो साधक करते हैं ना उनको बहुत फायदे होते हैं। तो पांच यज्ञ अगर हम सब करें तो बहुत फायदा होगा। ये नौ भक्त के लक्षण अपने आप आ जाएंगे, लाने नहीं पड़ेंगे। पांच यज्ञ में पहला है ब्रह्म यज्ञ, माने भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का जप आदि, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का एक अर्थ सब में ब्रह्म भाव भगवत भाव, ये पहला यज्ञ है। बोलो अब इसमें क्या कठिनाई है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई खर्चा है? कोई खर्चा नहीं। सबसे पहले तो पति को पत्नी में भी ब्रह्म दिखे, पत्नी को पति में दिखे, औरों की बात बाद में करना चलो, बहू को सास में दिखे, सास को बहू में दिखे, ये ब्रह्म यज्ञ है। घर में शांति का माहौल रहे उससे घर में संपत्ति आएगी। जहां दीवारें खड़ी होती हैं घर में वहां लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। मैंने एक परिवार में देखा, पहले परिवार में संप था, आपस में मिलजुल कर सब काम करते थे, रसोई घर एक था, पर जहां थोड़ी थोड़ी बातों से घर में अनबन हुई रसोई घर सबके अलग अलग होने लगे, भाइयों में फूट पड़ी, पैसा सारा चला गया, अब कर्जा है। जहां आपसी फूट होती है ना घर में क्लेश होता है तो लक्ष्मी चली जाती है, बिल्कुल पक्की बात। मैंने ऐसे कईयों को देखा। तो बहनों माताओं भाइयों सबसे मेरी प्रार्थना है, घर में आप दो भाई अगर साथ साथ रहते हैं तो कभी भी आपस में दीवार खड़ी मत होने देना। अगर किसी कारण से हो तो समझदार भाई उस दीवार को मिटाना, मिलजुल कर। चार दिन की जिंदगी है, एक दिन तो अलग होना ही है, मरेंगे तब तो अलग हो ही जाएंगे, अभी से क्यों दीवारें खड़ी करना। दो भाई हैं मिलजुल के रहें प्यार से, तीन भाई हैं मिलजुल के रहें प्यार से, दुनिया से जाएं तो ऐसे जाएं कि किसी को हमारी अनुपस्थिति खटके, हमारी उपस्थिति किसी को क्यों खटके। ब्रह्म यज्ञ, पति पत्नी के प्रति अपने दायित्व को समझे, पत्नी पति के प्रति, माँ बाप बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। बेटे बेटी को सारस्वती मंत्र दिला दिया, बाल संस्कार पुस्तक दे दी, बड़ा बेटा है तो दिव्य प्रेरणा दे दी, घर में माँ बाप को भूलना नहीं वाले कैलेंडर है ना सुवाक्य, जिनको पता है कैलेंडर माँ बाप को भूलना नहीं सुवाक्य वाले हाथ ऊपर करो तो
पता है, बहनों को भी, जिनको नहीं पता वो साहित्य स्टॉल से सत्संग के बाद जाते हुए ले जाना, अपने घर में एक जगह लगा देना। वो कैलेंडर मिलेगा, दो दो चार रुपए का ही मिलेगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। वो घर पे ले जाना, लगा देना। बेटा बेटी पढ़ेंगे तो उनको संस्कार पढ़ेंगे, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, अनगिनत हैं उपकार उनके ये कभी भूलना नहीं। पैसा खर्चने से मिलेगा सब पर माता पिता मिलते नहीं, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। घर पे लगाओ, घर पे ऐसे सुबह क्योंकि कैलेंडर लगे रहें, कोई भी पढ़े तो उसको संस्कार पढ़े, कोई मेहमान आए तो उसको भी थोड़ी अक्कल आए। कोई कोई अपने घरों में एक्टरों की फ़ोटो लगा देते हैं, बॉक्सरों के फ़ोटो लगा देते हैं, क्रिकेटरों के फ़ोटो लगा देते हैं, किस काम के? ये क्या दे देंगे हमको? हनुमान जी की तस्वीर लगा दें, गुरुदेव की तस्वीर लगा दें, शिव जी की तस्वीर लगा दें, एक साधिका बोले कि घर में केवल अपने गुरु जी की ही तस्वीर रखो, बाकी सब देवी देवताओं की तस्वीर उठा के फेंक दो। अरे काय को फेंक दे? शिव जी की तस्वीर बोल निकाल दो, दुर्गा की तस्वीर निकाल दो, ठीक, आप अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखो, पर जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है, ये बात भी तो शिव जी ने कही है। अपने गुरु को आप साधारण क्यों मानते हो? वो देखो ना, ये भी मेरे गुरुदेव ही हैं। यो गुरु स शिव प्रोक्तो यह शिव स गुरु स्मृता। नौकरी नहीं मिलती मुझे अच्छी, मेरा काम नहीं होता, मेरी दुकान नहीं चलती, ये कोई प्रश्न ही नहीं करेगा। संपत्ति आपके पीछे पीछे घूमेगी जैसे परछाई पीछे पीछे आती है। हर काम में सफलता मिलने लगेगी। चेन्नई एयरपोर्ट पे मैं खड़ा था, एक भाई साहब आए, मुझे दिल्ली आना था, फ्लाइट थोड़ी लेट थी, खड़ा था तो आए, बोले मैं बापू जी का शिष्य हूँ, दीक्षा ली है, मैं इंडियन एयरलाइंस में इंजीनियर हूँ, 1.5 लाख रुपया मुझे महीने का मिलता है, पर पहले जब मैं इंजीनियर हो गया था, मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मैं इंडियन एयरलाइंस में इंटरव्यू के लिए आया था, परंतु मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी इतनी अच्छी नौकरी चली गई, मुझे आश थी कि मिलेगी पर नहीं मिली। फिर बोले, फिर मेरे माता पिताजी दीक्षा लिए हुए थे, तो पिताजी जहाँ बैठ के जप करते थे, ध्यान करते थे, बापूजी की तस्वीर को एकटक देखते थे, मैं वहाँ आकर बैठने लगा और मैं भी बापूजी की तस्वीर को एकटक देखता था, फिर आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान करता था। फिर बोले बस, फिर एक बार दोबारा इंटरव्यू के लिए गया, ये प्रयोग करते करते बस मेरा सिलेक्शन हो गया, 1.5 लाख रुपया महीने का मिलता है। मैंने कहा पर आप दूर बहुत रहते हो चेन्नई में। बोले क्या बड़ी बात है इसमें, मुझे कभी भी अहमदाबाद शिविर में आना हो तो फ्लाइट सीधी है और टिकट फ्री, मेरे को कोई पैसा भरना नहीं पड़ता, मैं इंडियन एयरलाइंस में हूँ इंजीनियर, जब भी आना हो बैठ जाता हूँ। गया, जाना फ्री आना फ्री, कोई खर्चा नहीं, 4,000-5,000 की टिकट लेने की जरूरत ही नहीं, बड़ा आनंद है, भक्ति भी बढ़ रही है और यहाँ भी सेवा हो रही है। तो 5 यज्ञ रोज करें, ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, देव यज्ञ माने अग्निहोत्र, हवन कुंड छोटा सा बनाकर उसमें गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुतियां डालना, कभी महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आहुतियां डालना। किसी को ऐसा लगे ना मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या हमारे अमुक के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हवन कुंड में आहुतियां डालें, गिलोय की समीधा ले लें, मिल जाती है। किसी को ज़्यादा तकलीफ हो तो अपने आश्रम में, सब आश्रमों में गिलोय है, नीम के पेड़ पर बेल चढ़ती है एक गिलोय की, गिलोय उसकी समीधा, इतनी बीच की बड़ी उंगली जितनी, 108 लकड़ियाँ समीधा इकट्ठी कर लें और कटोरी में गाय का घी रखें, दोनों तरफ से वो समीधा का छोर घी में डुबाकर ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात ओम स्वाहा, 108 आहुतियाँ डालें संकल्प करके। किसी ने कुछ किया है तो जाए उसका, उसी के ऊपर, मेरा क्या। हरि ओम 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 करके डाल दे। और भी ज़्यादा किसी को लगता हो कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है, बड़ी तकलीफ है, तब से हमारे घर का अमुक व्यक्ति बीमार है, तो क्या करें, गणपति जी की पूजा में नहीं वो दूब काम में लाते हैं, यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर में भी लोग खूब बेचते हैं, दुकान वाले
और लोग गणपति जी को अर्पण करके आते, आप समझ गए ना वो, हाँ दुर्वा दुर्वा, वो जिसके ऊपर कुछ किया हुआ है उसके तकिए के नीचे गणपति जी का सुमरण करके रख दे कि इसकी तकलीफ दूर हो जाए भगवान। फिर सुबह वो नींद में से उठे तो तकिए के नीचे से वो दुर्वा लेकर पानी में बहा दे, 3 दिन ऐसा करे, रात को रखें सुबह लेकर बहा दें, फिर 6 दिन और रखें रात को रखें सुबह बहाए नहीं, एक डब्बे में या बर्तन में उसको इकट्ठी कर लें, 6 रात की रात को रख दी सुबह लेकर किसी बर्तन में डाल दी, 7वें दिन सुबह कोयले जला दिए और भगवान का स्मरण करते करते वो जला दी दुर्वा 6 दिन की इकट्ठी की हुई कि इसके ऊपर जो तकलीफ थी वो भस्म हो गई, फिर वो सारी सामग्री भी बहा दें पानी में, बस हो गया। और गुरु मंत्र का जप करके तुलसी की माला उसके गले में पहना दें, कोई जादू टोने तंत्र मंत्र वालों की शरण लेने की जरूरत ही नहीं है, एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार, बस। कुछ झंझट करने की जरूरत ही नहीं है, कोई झंझट करने की जरूरत ही नहीं। देव यज्ञ, देव यज्ञ में यह भी आएगा, सूर्य को जल देना, पूनम की रात है तो चंद्रमा को अर्घ्य देना, ये सब देव यज्ञ में आ जाएगा। होली की रात को तो चंद्रमा को खीर का भोग जरूर लगाना, दीपक जलाकर दिखाना, अर्घ्य देना जरूर करना, फिर शांत बैठ के प्रार्थना करना हमारे घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाए होली की रात को, ये नियम है, शास्त्रीय, शास्त्र के नियम करने में कोई अपने को नुकसान नहीं है। बाकी ये जादू टोना धोगा धागा दोरा ताबीज ये सब बकवास है, पौराणिक बातें जो है मैं जो आपके आगे रखता हूँ ये शास्त्र के मोती रखता हूँ जिससे अपने को फायदा हो, खर्चा भी नहीं और फायदा खूब। बाकी तो टीवियों पर कोई, कल भी मैंने कहा था कम नहीं दिखाते, आजकल तो वो भी दिखाने लग गए, आपकी ये राशि हो तो आप ये कीजिए, आपकी मीन राशि है तो आप ये कीजिए, आपकी मेष राशि है तो आप ये कीजिए, आपकी कन्या राशि है तो ये कीजिए, आपकी अमुक राशि है तो आप 5.25 किलो मूंग के दाने पानी में बहा दीजिए। क्यों बहाएं मूंग, कितने रुपए किलो मिलता है तो वो पानी में बहा दें, भिगो के रख दे रात को सुबह उबाल के खा लें, बस। भगवान का नाम ले ले बस, सब बढ़िया होने लगेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम। सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम।
इस प्रकार जो भी भगवान का नाम मन में आए, हरि शरणम, गुरु शरणम, रामम शरणम, जो सब नाम उसी के, ऐसा करते करते शांत हो जाए कि हम तो आपकी शरण में है नाथ, अब आप जो करो आपकी मर्जी है। तो बेटा माँ के पास है तो माँ उसका बुरा थोड़ी सोचेगी, बेटा बाप की उंगली पकड़ के चल रहा है तो बाप उसको खड्डे में थोड़ी गिराएगा। आप कभी अपने बच्चे को खड्डे में गिरा दोगे? नहीं, उल्टा गिराए तो उसको संभाल के उठाओगे। ऐसे ही भगवान और गुरु वो हमें दुख की खाई में थोड़ी गिराएंगे, उल्टा हमको दुख की खाई से बचाएंगे। कई भक्तों के कई ऐसे अनुभव हैं, इसलिए आप फिक्र न करें, जिक्र करें। देव यज्ञ, तीसरा है अतिथि यज्ञ। घर पे कोई मेहमान आए तो उनको अच्छी तरह से स्वागत सत्कार करके, उनमें भी मेरा भगवान है, उनको पानी पिलाया, भोजन कराया या नाश्ता कराया। पर ऐसा नहीं कि घर पे मेहमान आए, उनको कुछ दिया और फिर बोलने लगे कि अच्छा हुआ आपने खा लिया, नहीं तो ये तो हम गाय को ही खिलाने वाले थे। सारू छू तमें खादू हो, नहीं तो हमें तो गाय उन्हें नाखवाना था। अच्छा हुआ आप आ गए, हमारा खाने का सदुपयोग हो गया। लो तो बेचारा मेहमान दूसरी बार आएगा कि तू गायों को डालने वाला मेरे को खिला रहा है तू। तो ऐसा भी ना हो। एक मेहमान घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था, अंदर आने में डर रहा था, तो अंदर से खिड़की से घर वाले ने आवाज दिया, आओ आओ साहब आओ, डर क्यों रहे हो, आ जाओ। बोले अंदर गेट के अंदर कुत्ता खड़ा है, मेरे को डर लग रहा है। नहीं नहीं डरो नहीं, आप आ जाओ अंदर आ जाओ। बोले पर वो कुत्ता खुला हुआ है, बंधा हुआ नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आप आओ तो सही, मुझे दरअसल चेक करना है कि वो काटता है कि नहीं काटता, जरा मैं देखना चाहता हूँ। अतिथि यज्ञ। चौथा है पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवा, और वो गुजर गए तो उनके नाम का श्राद्ध तर्पण आदि करना, ये पितृ यज्ञ है। और फिर पांचवा है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ माने प्राणी मात्र के प्रति दया। भाई मच्छर हैं गर्मी में तो लोग ऑल आउट जलाते हैं, ऑल आउट जैसा कोई खतरनाक जहर नहीं। घर में क्यों ऑल आउट का जहर फैलाते हो? जो भी घर में रात को ऑल आउट जलाकर सोते हैं, समझो अपने स्वास्थ्य के खतरनाक दुश्मन है वो दुश्मन। मैं तो कहीं भी जाता हूँ, निवास पे देखता हूँ ऑल आउट जल रहा है, पहले वो बंद करता हूँ और सब खिड़कियाँ खोलकर ऑल आउट का जहर पंखा चलाकर बाहर निकाल देता हूँ। और कई लोग गर्मी में एसी चल रहा है घर में और ऑल आउट भी चालू है, खिड़कियाँ सब बंद हैं, तो सोचो कमरे की हवा कितनी जहरीली होगी। एसी चलाते तो कमरा बंद है, खिड़कियां बंद है और ऑल आउट चालू है, कितनी नासमझी है। मच्छर मर जाते हैं ऑल आउट से, तो सोचो अपने ज्ञान तंतुओं को भी कितना नुकसान होता होगा, अपने शरीर की कोशिकाएं कितनी नष्ट होती होगी, वो सोचो। इसलिए अपने दुश्मन मत बनना, ऑल आउट घर पे मत चलाना, चलाओ तो आधा घंटा चलाया, खिड़कियां खुली रखी, जहर बाहर ही निकल जाए। घर में धूप करो गूगल का, गूगल घी और शक्कर मिलाकर घर पे जो धूप करते हैं ना, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, उसमें प्राणायाम करते हैं तो स्वास्थ्य बढ़िया होता है और संकल्प फलते हैं। गूगल का धूप करके गहरा श्वास लेके रोका और जप किया गायत्री मंत्र और कोई शुभ संकल्प किया, वो जरूर पूरा होगा। इसलिए ऑल आउट नहीं जलाना, गूगल का धूप करना तो मच्छर भी भाग जाएंगे, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। मच्छरों को भी क्यों मारना, बिचारों को किस लिए मारना। कोई मांसाहार करता हूं तो आप उसको थोड़ी सीख दो, या अपने आश्रम की मन को सीख, नशे से सावधान, ऐसी पुस्तकें औरों तक बांटो, ये बड़ी सेवा होगी समाज की। अगर भगवान ने आपको पैसा दिया है, आप महीने में 100-200 रुपया अगर पुस्तकों के पीछे खर्च कर सकते हो तो जरूर करो। महीने में 100 रुपया सत्संग की पुस्तकें बांटेंगे हम, 100 रुपए की
₹50 की सत्संग की पुस्तकें बांटेंगे। किसी को नशे से सावधान दे दी, किसी को मन को सीख दे दी, विद्यार्थी है तो उसको बाल संस्कार दे दी, पुरुषार्थ परमदेव पुस्तक दे दी, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बेचारा मानसिक रूप से कमजोर है तो उसको पुरुषार्थ परमदेव दे दी, बेटा ये किताब पढ़ देख, इसमें कैसी कैसी बातें लिखी है, तू कितना महान हो सकता है तुझे पता नहीं, बेकार में चिंता करके कमजोर हो रहा है, हिम्मत कर बेटे तू सफल हो सकता है, दुनिया की कोई शक्ति तुझे फेल नहीं कर सकती, ये किताब पढ़ना, ये सेवा है। और ज़्यादा पैसे हों तो फिर बापूजी के सत्संग की VCD है विद्यार्थियों के लिए, MP3 है उसकी, वो दे दें किसी को सुनने के लिए कि आप जरूर सुनना, मेरी तरफ से है आपको। कोई पर्व हो तो किसी को गिफ्ट दें, मिठाई का पैकेट दे दिया तो क्या बड़ी बहादुरी कर ली, मावे की मिठाइयाँ खाएंगे तो पेट खराब होगा, किसी को काजू दिए तो पेट भारी होगा, देर से पचेंगे, तो ऐसी चीज क्या किसी को गिफ्ट देना, गिफ्ट देना है तो उसको बापूजी के सत्संग की VCD दो, DVD दो, ऋषि प्रसाद का उसको सदस्य बना दो कि मेरी तरफ से आप ये सदस्यता ग्रहण करो, हर महीने आपके घर पे ये एक पत्रिका आएगी, आप पढ़ना जरूर, ये सेवा है, सुंदर समाज का निर्माण होगा हुजूर। ऋषि प्रसाद बापूजी के सत्संग की पुस्तकें ये जीते जागते देवता हैं, इनको रोज पढ़ने से इनके द्वारा वरदान पाए जा सकते हैं, ये दूसरों तक पहुंचाने से इनके द्वारा वरदान पाए जा सकते हैं।